जय हिंद, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग का ये जो वीडियो है इसमें अकाउंटेंसी का हम लोग बुक का नेम भी जानेंगे कि ज्ञान आश्रम चैनल पे आप लोग का अकाउंटेंसी किस बुक से पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ आप लोग को अकाउंटेंसी का सिलेबस भी पता चलेगा, क्योंकि बिना सिलेबस के आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो ही नहीं पाएगा। पहले सिलेबस तो पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, तब ना उस तरीके से आप लोग को पढ़ाई स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जो है आज के वीडियो में ये दोनों चीज़ें बातें करने जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ ये भी बात है कि आप लोग अगर हम जो बुक से पढ़ाएंगे वो बुक आपको अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, है ना। और बुक क्यों ज़रूरी है, यही बुक क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर आप ये समझ सकते हैं कि जैसे एक अच्छा मार्गदर्शक आपके लक्ष्य को आसानी तक पहुंचा सकता है ना बात। एक अच्छे मार्गदर्शक के हेल्प से आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, सेम उसी तरह बुक भी होता है। अच्छे बुक के बदौलत ही आप अच्छे ज्ञान को हासिल कर पाएंगे और अपने लक्ष्य यानी आपका बोर्ड उसको आप बहुत ही अच्छे नंबर से जो है पास कर पाएंगे। इसलिए बुक जो है अच्छा होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है जिस बुक से लेकर के चलने वाले हैं, अगर आपको वो बुक नहीं मिलता आपके लोकेलिटी में, जाहिर सी बात है हर जगह नहीं अवेलेबल होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर वो नहीं मिलता है तो उसके लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है आप डायरेक्ट जो है वेबसाइट पर जाकर के बुक को खरीद सकते हैं और आपको होम डिलीवरी वो मिल जाएगा किताब का, ठीक है। तो ज़रूर उसको खरीद लेंगे, ठीक है, जो भी ज्ञान आश्रम से पढ़ना चाहते हैं, ठीक। तो बात करते हैं, चलिए आज हम लोग अकाउंटेंसी क्लास ट्वेल्थ के बच्चों का भी वीडियो चल रहा है, क्योंकि एलेवंथ वालों का कब स्टार्ट होगा, जब बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा तब से एलेवंथ वाला का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो क्लास ट्वेल्थ के बच्चे जिन्हें अपना जो है अकाउंटेंसी स्टार्ट करना है, तो इस बार हम लोग अकाउंटेंसी का जो किताब लेके चल रहे हैं उस किताब का नाम है आरसी अग्रवाल, ठीक है। अकाउंटेंसी का बुक होगा, वो बुक लिखने वाले राइटर का नाम है आरसी अग्रवाल का ही बुक लीजिएगा, ठीक है। और ये बुक किस पब्लिकेशन का है, क्योंकि पब्लिकेशन हाउस भी पता होना चाहिए किताब खरीदने से पहले। तो पब्लिकेशन का नेम है SBPD यानी साहित्य भवन पब्लिकेशन, ठीक है। साहित्य भवन की किताब है, साहित्य भवन एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन हाउस है, तो इसमें जो है ढेर सारे जो है किताब छपते हैं, तरह तरह के राइटर छापते हैं, तो उसमें से साहित्य भवन पब्लिकेशन का जो आरसी अग्रवाल का है वो किताब लेना है। इससे पहले हमारे जो है चैनल पे एसएम शुक्ला का चलता था, इस बार भी पढ़ाई हम इससे लेके चलने वाले हैं, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छा है सेल्फ स्टडी के लिए भी और जो है बढ़िया तरीके से पढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसमें सारी चीज़ें दिया। लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए आपको एसएम शुक्ला के भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं वो भी हम आपको अपने चैनल पर प्रैक्टिस कराएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपको पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे ज्ञान आश्रम चैनल है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम QR कोड भी लगा देंगे जिसको स्कैन करके आप डायरेक्ट जो है चैनल को प्राप्त कर पाएंगे, वहाँ पे जो है उसको जोड़ पाएंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा कि वहाँ पर आपको हमारे चैनल की जो भी वीडियोज़ होगा या जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उस चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे, जिससे आपका एक भी क्लास जो है छूटे ना, सब लोग प्रॉपरली चैनल पर जुड़ जाए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, हम लोग किताब के बारे में समझ लेंगे कौन सी किताब चलेगा। तो अब बात करते हैं सिलेबस का, ठीक है। सिलेबस हमारा अकाउंटेंसी में क्या सिलेबस होगा, आपके दिमाग में तुरंत ये बात आएगा कि सर अकाउंटेंसी का सिलेबस अभी तो बोर्ड में आया नहीं तो आप कैसे बता रहे हैं। तो देखिए, हमारे जो अकाउंटेंसी के सिलेबस हैं जस्ट इससे पहले वाले ही सिलेबस चलने वाले के ज़्यादातर चांसेस है, मतलब जो है 99% चांस है कि सेम टू सेम सिलेबस होगा, क्योंकि सिलेबस हर साल नहीं चेंज होता, ठीक है। अभी कुछ बदलाव के दौर चल रहे थे इसलिए बार बार बदल जाता है, जैसे कोरोना की वजह से और फिर NCERT लगने की वजह से इस तरह का बदलाव का दौर था इसलिए बार बार सिलेबस बदल लेते हैं। लेकिन अभी जो है बदलाव का दौर नहीं, अब जो है सारी चीज़ें लेवल वाइज स्टेबल हो चुका है, तो अब सिलेबस बहुत दिनों तक सेम टू सेम होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी हमारा अपडेटेड सिलेबस इस साल वाला तो बोर्ड ऑफिस ने अभी निकाला है नहीं, तो हम लोग पढ़ाई तो कंटिन्यू करना है ना, पढ़ाई तो चालू करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए हम पुराने ही सिलेबस को आपको लेकर के चल रहे हैं, और जैसे ही नया सिलेबस बोर्ड ऑफिस की तरफ से आएगा हम अपने चैनल पे आपको वो भी बता देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं सिलेबस क्या क्या होने वाला है। तो सिलेबस में सबसे पहली बात किया जाए कि हम लोग जो है क्लास 12 की सिलेबस की बात करें, जाहिर सी बात है क्लास 12 चल रहा है और क्लास 12 के पूरे अकाउंटेंसी के बुक को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग एक आपका जो है वो साझेदारी के ऊपर है, ठीक है। पूरा का पूरा भाग एक में आप साझेदारी को अच्छे तरीके से जानेंगे, साझेदारी क्या होता है, ठीक बात। और भाग दो इसके बाद है, तो भाग दो आपका देखा जाए तो भाग दो के अंतर्गत आप जो है कंपनी के बारे में जानेंगे, ठीक बात। ये हो गया। तो जैसे अगर हम बात करें कि सर साझेदारी भी दिख गया कंपनी भी दिख गया, लेकिन एकाकी व्यापार कहाँ, तो एकाकी व्यापार आपने पढ़ लिया है क्लास 11th में, ठीक है। लेकिन हम ये भी बता देना चाहते हैं कि कुछ बच्चे क्लास 11th को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें याद नहीं होगा, बड़ा घबराहट हो रहा होगा क्लास 12th में कैसे करना है, बोर्ड है, डर है ना, बोर्ड का डर सबको होता है, तो ये घबराहट है। तो हम आपकी घबराहट दूर कर देना चाहते हैं कि अगर आप क्लास 11th में कुछ भी नहीं जानते, एकदम नया है, एकदम फ्रेश दिमाग है, आप अकाउंटेंसी का आप जो है ABCD भी नहीं जानते हैं, तो भी अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो आप अकाउंटेंसी छोड़िए पूरा का पूरा कॉमर्स के आप मास्टर हो जाएंगे, पूरा क्लास 12 के सिलेबस का एकदम जबरदस्त तरीके से आपको आ जाएगा और आपके बोर्ड में जो है 90+ मार्क्स आने ही आने हैं, पक्का आने हैं, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग का क्लास 12 भाग एक में जो साझेदारी का पोर्शन है उसमें सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, तो सबसे पहला चैप्टर है साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, ये पहला चैप्टर साझेदारी के ऊपर का।
आधारभूत अवधारणा एक बहुत सी किताबों में इसका नाम है इंट्रोडक्शन के तौर पे, सामान्य परिचय के तौर पे, एक परिचय के तौर पे, इस तरह से इस चैप्टर में बुलाया जाए। तो ये सबसे पहला इसमें आपको साझेदारी का कुछ बेसिक्स सीखना है, ठीक है, उसके थ्योरीज के बारे में थोड़ा मोड़ा जानना है और थोड़े मोड़े जो है न्यूमेरिकल्स आपको बेसिक समझना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर हो गया, ठीक है। इसे बोर्ड में जो है ज्यादातर थ्योरी पूछा जाता है। दूसरी बात अगर हम लोग किया जाए तो दूसरा बात किया जाए तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन और साझेदारक का प्रवेश। लेकिन हम आपको ये बोर्ड ने जो सिलेबस दिया हम वो लिखे हुए, ठीक है, लेकिन हम आपको जहाँ पर बता दे रहे हैं कि साझेदार के परिचय के बाद, साझेदारी लेखांकन में सामान्य परिचय वाला चैप्टर के बाद डायरेक्ट प्रवेश नहीं आएगा, उसके बीच में हम आपको दो चैप्टर और पढ़ाएंगे, ठीक है, अपने बुक के अकॉर्डिंग यानी आरसी अग्रवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें दो चैप्टर्स और पढ़ाएंगे। इसमें हम जो है विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, जो हमारा साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का ही एक चैप्टर है जो इसमें नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, क्योंकि बोर्ड में उसके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, बोर्ड में उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसलिए नहीं दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे क्यों, क्योंकि वो बेसिक है, अगर आप उसको समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, तो आपको प्रवेश या रिटायरमेंट या फिर मृत्यु देखा जाए तो ये सारे के सारे चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए वो चैप्टर भी हम आपको पहले से पढ़ाएंगे, क्योंकि आप जान लीजिए आप ज्ञानाश्रम पे आ गए तो पूरा डिटेल स्टडी आपको मिलेगा, कोई भी चीज़ छुड़ाया नहीं जाता, कोई भी चीज़ लगाया नहीं जाता, आपको सारी चीज़ें पढ़ाया जाएगा और ऐसे पढ़ाया जाएगा कि बोर्ड में क्या आप भविष्य में कहीं भी जाएंगे और अकाउंटेंसी के बारे में आपको जब भी कोई चीज़ का एग्जाम देना हो या कहीं पर भी आपको बताना हो तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो, पूरा नॉलेज हो और अच्छे तरीके से आप जो है सबके सामने जा पाए, ठीक है। इसलिए आप चैनल पर आए तो एकदम आराम से पढ़ते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साझेदार का प्रवेश हमारा जो है अगला चैप्टर है बोर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन हम लोग इसके बीच में जो है दो चैप्टर और पढ़ा देंगे, यानी ये हमारे अकॉर्डिंग चौथा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो है क्या है, फिर इसके बाद हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का टोटल 4 चैप्टर, लेकिन यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साझेदारी फर्म का पुनर्गठन है, इसमें क्या है, साझेदार की सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु, साझेदार की सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु, सेवानिवृत्ति का मतलब अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट, ठीक है, और मृत्यु मतलब डेथ। अब इसमें जो है साझेदार जब अवकाश ग्रहण कर लेता है, रिटायरमेंट होता है, तो उसके लिए क्या लिखा करता है, मृत्यु हो जाता है साझेदार को, उसके लिए क्या लिखा करता है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। बहुत से किताबों में ये दो अलग अलग चैप्टर है, बहुत से किताबों में एक ही चैप्टर में दोनों चीज़ें दिया हुआ है, तो जो भी बुक आपके पास है उस हिसाब से आप लोग देखेंगे, लेकिन अगर आप हमारे हिसाब से पढ़ेंगे तो भाई ये चैप्टर्स आपको एक साथ मिल जाने वाला है, ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको ये भी समझ में आ जाएगा, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट बात अगर हम लोग करेंगे तो साझेदारी का फर्म का विघटन, साझेदारी फर्म का विघटन हमारा जो है अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर साझेदारी पूरी तरह से खत्म हो रहा है, साझेदारी फर्म का विघटन नाम भी है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग में साझेदारी खत्म, और इस चैप्टर में हम लोग साझेदारी का खत्म कैसे होता है, साझेदारी फर्म बंद कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग लेखांकन सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारे की सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे जानना है। अब बात करते हैं भाग 2। भाग 2 के सिलेबस के अंतर्गत हम लोग को जो है कंपनी के बारे में देखना है, ठीक है, कंपनी के बारे में जानना है, कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें करना है। तो सबसे पहला भाग 2 का जो चैप्टर है, जो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 के तौर पे लिखा हुआ है, वो क्या है, अंश पूंजी के लिए लेखांकन, ठीक है, कंपनी का लेखा सीखना है। और इसमें सबसे पहला चैप्टर अंश है, अंश का मतलब क्या है, इसमें अंश से रिलेटेड सारी चीज़ें, अंश की थ्योरी भी जानना है, अंश का लेखांकन कैसे होता है यानी उसका निर्गमन कैसे होता है, उसका हरण कैसे होता है, उसका जैसे पूर्वाधिकार अंश है तो उसका शोधन कैसे होता है, बाकी सारे अंश क्या क्या है इसके बारे में डिटेल आपको जो है इस चैप्टर में मिलेगा, सारी चीज़ें आपको सीखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है इसी कंपनी का लेखांकन में है वो क्या है, ऋण पत्रों का निर्गमन तथा मोचन। अगला चैप्टर जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में अंश के बारे में जाना था, तो इस चैप्टर में आपको ऋण पत्र के बारे में वही सारी चीज़ें देखना है, ठीक है, यानी ऋण पत्र क्या होता है, ऋण पत्र क्या कैसे कैसे उसके क्रियाएँ होती हैं, उसका निर्गमन कैसे होता है, उसका शोधन कैसे होता है, उसके बारे में सारी चीज़ें आपको इस बारे में जानना है। अब यहाँ पर शोधन हम वर्ड बोले लेकिन यहाँ पर मोचन लिखा है, तो मोचन का मतलब ही शोधन होता है, अक्सर आप मोचन जब देखेंगे तो आपको तुरंत संकट मोचन याद आया, तो यहाँ पर संकट मोचन नहीं बल्कि ऋणपत्र का मोचन यानी ऋणपत्र का शोधन। और शोधन का मतलब भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ये भी शब्द नहीं है, तो आप एकदम सिंपल वर्ड में अगर समझे तो भुगतान, ठीक है, यानी ऋणपत्रों का भुगतान होगा, ऋणपत्र में कंपनी को लोन दिया जाता है तो लोन कंपनी वापस कर देता है, यही इस चैप्टर में इसके बारे में लेखांकन हमको सीखना है, तो ये सारी चीजें यहां पर होता है, ठीक है, ये ऋणपत्रों का, ये कंपनी का हमारा दूसरा चैप्टर होगा। फिर हमारा जो कंपनी का अगला चैप्टर हो गया वो कंपनी का वित्तीय विवरण, ठीक, कंपनी का वित्तीय विवरण, इसमें क्या देखना है, तो इसमें हम लोग को देखना है कि कंपनी का अपना बैलेंस शीट कैसे बनता है, कंपनी का अपना स्टेटमेंट ऑफ पीएल कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है, पूरा फॉर्मेट याद करना है, बड़ा रटंतु चैप्टर है, पूरी तरह से रट जाना है, ठीक है, रटने के ऊपर चैप्टर है, पढ़ाने में बड़ा बोरिंग है, लेकिन ये चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा तो आगे चैप्टर्स खराब हो जाएंगे, इसलिए सबको रटना ही रटना है, भाग नहीं सकते, ठीक है, बात समझे। और बोर्ड में भी एक फॉर्मेट जो है पक्का आता है, या तो बैलेंस शीट का या तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का, तो ये बात हो गया। नेक्स्ट बात देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा जो है अगला चैप्टर है लेखांकन अनुपात, ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो हमारा अगला चैप्टर है, इसके अंतर्गत जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं तो इसके अंदर जो भी आंकड़े होते हैं उसका जो है अनुपात बनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी लेखांकन का अगला चैप्टर, यहाँ से विश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट होता है इस चैप्टर में, तो ये बात है, ठीक बात। तो ये हमारा ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और मजेदार, किसको लगेगा, जिसको मैथ बड़ा फेवरेट है, जो 10th में मैथ लिया होगा और मैथ में उसको बड़ा मजा आता होगा, मैथ अच्छे तरीके से लगाता होगा, उसके लिए चैप्टर बड़ा मजेदार है, ठीक है, हमारे लिए भी बड़ा फेवरेट था ये चैप्टर, है ना बात, तो आपको ये बड़ा मजेदार लगेगा, तो ये चैप्टर पढ़ने में बहुत अच्छा है। और फिर नेक्स्ट हमारा देखा जाए तो वो क्या है, रोकड़ प्रभाव विवरण, ठीक,
रोकड़ प्रवाह विवरण हमारा अगला चैप्टर है और इस चैप्टर से भी जो है न्यूमेरिकल्स हर साल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है अकाउंटेंसी का सिलेबस कंप्लीट। और जब आपने जो है किताब जान लिया कौन सा खरीदना है, सभी लोग फटाफट मंगा लीजिएगा, सबने सिलेबस जान लिया कौन सा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चलेगा, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर से हम लोग की स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, बात समझे। तो फटाफट हम लोग जो है अगली वीडियो में मिलेंगे जहाँ से आपका जो है पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने चैनल पर आए हैं तो आप जो है अभी तक वीडियो देख भी रहते हैं, सारी चीज़ें समझ भी रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दूसरों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि आपकी भी पढ़ाई जो है कंटिन्यू हो जाए। और गारंटी दे रहे हैं इतना अच्छा पढ़ाया जाएगा कि आपको कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें एकदम जबरदस्त तरीके से आपको जो है यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको जो है बाद में जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर नवंबर तक, तो आपको जो है यहाँ पर लाइव क्लासेस के जरिए रिवीजन क्लास भी मिल जाएगा। तो टोटल यानी कोर्स भी कंप्लीट और रिवीजन क्लास भी आपको बकायदे मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि आगे चल के आप लोगों को कुछ बच्चों को जो लेट में जुड़ेंगे तो उनको जो है कोर्स वगैरह भी हमारा परचेस करना होगा। यदि अगर आपको YouTube से काम हो जाता है तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपको कोर्स वगैरह भी परचेस करना होगा तो उसके लिए आप लोग ज्ञानाश्रम ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो है प्ले स्टोर पर जाकर ज्ञानाश्रम ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।